सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो ये नंबर प्लेट लाइट होता है, ये वाला यहाँ पे जो नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो लाइट रहता है, इसमें पीछे से कभी कभार क्या होता है कि रस्ट लग जाता है, पीछे से स्क्रू हम लोग खोल नहीं पाते। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक नया चीज़ बनाया है, तो वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। सो वो शायद ये यूट्यूब में पहली बार है कि जो ऐसा हुआ, मतलब ये यूट्यूब में पहला ही है। तो इतना दूर तक देख लिए, मतलब देख रहे तो लाइक कर दीजिए और देखिए आगे अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रॉब्लम क्या होता है, लाइट होता है इस वाले, ये जो यहाँ पे इसके अंदर पे लाइट होता है और पीछे से इसको खोला जाता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसको, ये देखिए यहाँ से इसको खोला जाता है। तो इसको खोलने में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रस्ट के कारण हम लोग खोल नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो है ये वाला, तो क्या होता है रस्ट के कारण हम लोग इसे खोल नहीं पाते। सो तो उसका एक ही उपाय बच जाता है कि या हम लोग इसे तोड़ के निकाले या तो काट के इसको निकाले और उसके बाद लाइट लगाए। सो मैंने क्या किया कि जो हैंडल बार का जो लाइट होता है, हैंडल पे जो लगता है हैंडल बार का लाइट, तो हैंडल बार का लाइट को लेके मैंने उस लाइट का जो कवर होता है उस कवर के साथ इसे लगाया। ये देखिए, ये हैंडल बार का लाइट है। तो उस कवर को, उसका दाम होता है 100 रुपया करीबन, तो 100 रुपये में आपका हो जाएगा बाय द वे। तो ये वाला हैंडल बार का लाइट है, यहाँ पे देखिए पीछे से वायर जा रहा है। और इसमें आपको एक एडवांटेज क्या मिलता है कि जब भी आप ब्रेक लेंगे, मतलब ब्रेक मारेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर प्लेट है पूरा येलो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डुअल कलर फैसिलिटी मिलता है, एक वाइट कलर रहता है और एक येलो कलर रहता है। तो जब आप ब्रेक मारेंगे तो यहाँ पे येलो हो जाएगा और ऐसे करके तो आपका वाइट जलेगा ही। तो इससे आपका डुअल बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद बात कर ले इसके कनेक्शन मैंने कैसे करके किए हैं। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से प्लास्टिक, ये पूरा प्लास्टिक रहता है, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक रहता है ये वाला। तो इस प्लास्टिक वाले पार्ट को मैंने क्या किया कि गर्म करके इसे स्क्रू ड्राइवर से छेद कर दिया। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं अंदर पे यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट करके, अंदर पे ये मैंने वायर को कनेक्ट करके ऊपर से वायर को भेज दिया। अब ऊपर में सीट के अंदर में मैंने क्या किया वो देखते हैं आगे। सो गाइस, ये आपको अब सीट खोल रहे हम लोग, ये वाला जो आपको दिख रहा है इससे, उसको आपको बस खींचना है तो आपका सीट खुल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अभी आगे, इसे बस आपको इस तरीके से ऐसे करके खींचना है और ऊपर से आपको सीट को उठा लेना है। सो ये हमारा सीट खुल चुका है। जी, हमने सीट हटा दिया। और ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला देखिए जो वायर आ रहा है डुअल कलर का शील्ड वायर, ये वायर से उसका कनेक्शन है। तो इसको हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं एक बार। सो आपको दो कनेक्शन करना है, एक पार्किंग लाइट के साथ करना है आपका जो वाइट वाला लाइट रहता है, और आपका जो येलो कलर का जो वायर हो, जो आपका येलो लाइट का है, उसे आपको करना है आपके ब्रेक लाइट के साथ। जो रेड वाला है वो कपलर दिख रहा है वो आपका है ब्रेक लाइट का, और जो वाइट वाला वायर दिख रहा है वो आपका है पार्किंग लाइट का। तो पार्किंग लाइट के साथ आपको कर लेना है वाइट, तो आपको वाइट वाला के साथ कर लेना है पार्किंग लाइट का कनेक्शन, और जो आपका येलो वाला है उसके साथ आपको कर लेना है रेड कलर वाले वायर का कनेक्ट, मतलब रेड वाले कपलर के साथ कनेक्शन उसको कर लेना है। सो अब चलिए इसका एक बार टेस्टिंग देख लेते हैं हम लोग, बस यही था। सो गाइस, ये अब मैं टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए बाइक स्टार्ट हो गया है और ये आपका वाइट लाइट जल रहा है। और ये ब्रेक मैं दिखा देता हूँ, ब्रेक ये देखिए, ब्रेक का ऊपर वाले ब्रेक लाइट के साथ कनेक्शन है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, सो गाइस यही था आज का वीडियो के लिए। अगर आप इतना दूर वीडियो देख लिया, अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को कर दिए लाइक। ऐसे ही और बाइक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या तो ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल फॉर एंटरटेनमेंट को। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।